सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनी, तो वहीं दूसरी तरफ एटा जनपद में चारों विधानसभाओं पर फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बीजेपी ने कब्जा किया। बता दें कि विधायक विपिन वर्मा डेविड ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल करके एक नया इतिहास रचा। इस दौरान समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। खबर कानपुर से है, जो एसपी अकमल खान ने होली और शबे बारात को लेकर मीटिंग बुलाई और इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं त्योहारों को शांति और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए कहा। मीटिंग के दौरान थाना प्रभारी अनवरगंज अशोक कुमार सरोज, चौकी प्रभारी हसन जैदी के साथ क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। देखिए, हमारा ये बहुत ही क्लियर मैसेज है शासन और प्रशासन की तरफ से, ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि इस जो दोनों आगामी त्यौहार हैं इनको बहुत ही सौहार्दपूर्ण और प्रेम भाव से मनाया जाए, और अगर कोई समस्या आती है तो उसको तत्काल पुलिस को सूचित किया जाए, और पुलिस और प्रशासन जो है सदैव आपकी सेवा में तत्पर है, लगातार आपकी सेवा में लगा हुआ है। किसी भी समस्या का प्रकाश में आने पर आप हमें उसे तत्काल बताएं, और अगर कोई समस्या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप फौरन बताएंगे, और हम निश्चित रूप से जो है बहुत ही अल्प समय में आपके समक्ष जो है उस समस्या के समाधान के लिए उपस्थित रहेंगे। होली का त्यौहार आते ही मिलावटी खोए की सप्लाई शुरू हो गई, जिसको लेकर खाद्य विभाग सतर्क हो गया है। वहीं कानपुर हाईवे पर भारी मात्रा में मिलावटी खोए को कानपुर सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसकी पकड़ खाद्य विभाग की टीम ने किया है। बता दें कि गाड़ी में लगभग 30 क्विंटल मिलावटी खोया पाया गया, जिसकी सूचना खाद्य विभाग टीम ने पुलिस को दी। कैसे तैयार करते हैं? दूध से तैयार करते हैं। आज आप कहाँ से लेके और कहाँ जा रहे थे? ये हम अपने यहाँ जालौन से लेके और कानपुर मंडी, किसानों का, छोटे छोटे किसानों का है, छोटे छोटे किसानों से खोया आता है, किसी एक लोगों का खोया नहीं है। हमारी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से लेके जाते हैं, हमारी गाड़ी अखबार में भी लगी है। अच्छा, आप गाड़ी मालिक हैं? हाँ, गाड़ी मालिक चाचा श्री थे हमारे। क्या नाम है? मुन्ना सिंह। गाड़ी पकड़ी है, इसमें खोया भी लगा है। ये मिलावटी खोए की गाड़ी काफ़ी दिनों से यहाँ से औरैया बॉर्डर से क्रॉस कर रही थी, और त्योहारों के सीजन में इसकी प्रबलता ज़्यादा बढ़ जाती खोए में मिलावट होने की, तो इसकी रेकी करके इसको पकड़ा गया है। खोए में मिलावट होने के संदेह पे नमूने भरवाए जा रहे हैं और सीजर किया जाएगा गाड़ी का। ये खोया कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा है? ये कानपुर मंडी में खपने जा रहा है, और जालौन से और कुछ और जगह से एकत्रित होकर के औरैया से कुछ लेकर जा रहे हैं। लगभग कितना हुआ? ये लगभग 3 क्विंटल के आसपास है, 30 क्विंटल के आसपास है। खबर देवरिया जनपद के सदर कोतवाली से है, जहां पति पत्नी देवरिया न्यायालय में अपने केस की पैरवी करने गए थे। वहां लड़की के घर वालों ने लड़के पक्ष से मारपीट शुरू कर दी, और मारपीट के दौरान लड़के को जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद लड़के को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया। वहीं सारे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, पर पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पता चला कि ओवरब्रिज के आसपास कहीं वो लोग फिर इनको राउंड लेकर के मारे और कुछ जहरीली पदार्थ खिला दिए, जिसके वजह से इनकी मौत हो गई। अस्पताल में जाते जाते 1.5 घंटे के अंतराल में मौत हुई। क्या सुना? और मैं उसके बाद से गए जाकर के एप्लीकेशन दिए कोतवाली में, और कोतवाल साहब से मेरी मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दाह संस्कार कर लीजिए, और जब तक कागज आ जाता है मेडिकल का तो जो भी कार्रवाई होगा करेंगे। वो लोग जो है मुश्किल से 100-200 मीटर ले जा करके और अपनी गाड़ी मोड़ लिए, और हमारा बच्चा जो है मोटरसाइकिल से आगे आगे चलता रहा, उसको ये लगा कि पीछे से हमारे पुलिस आ रही है, वो अपने झोंक में चलता रहा और ये सब जो है अपना नज़र लगाए हुए थे, जो कि आते आते गोरखपुर ओवरब्रिज पूर्णा नाला के पास है, उसी के लगभग जो है वो सब फिर टेकअप कर लिए इसको, और टेकअप करने के बाद गाड़ी पर से खींच लिए और 2-4-5 सब पर मारे, और मारने के बाद से जो है खींच करके कुछ जो है शीशी द्वारा इसके मुंह में नाक दबा करके और जो है पिला दिए और मारे ओवरब्रिज पर। या हमारा कहना नहीं है, यह बच्चे का कहना है कि जो कि मोबाइल में लोड है।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रवि रावत हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई करने की कोई बात सामने आई है? आपको बता दें कि यह देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के परसोनी गांव का मामला है, जहां पति पत्नी के विवाद में युवक 10 तारीख को न्यायालय में पैरवी के लिए गया था और उसकी पत्नी ने कोई मुकदमा कराया है, जिसकी पैरवी में गया था वहाँ आरोप है कि मुझे मारा पीटा गया। उसके बाद योगेंद्र नाथ दुबे ने डायल 112 नंबर पर फोन किया, मौके पर पहुंची पुलिस, उसके बाद अपने परिवार के साथ देवरिया गोरखपुर ओवर ब्रिज पर पहुंचा ही था। युवक और उसके पिता दोनों को मारपीट कर वहां घायल कर दिया गया बताया गया। उसके बाद युवक को नशीली पदार्थ खिलाकर वहां से लोग चंपत हो गए। उसके बाद युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां युवक की ही मौके पर ही मौत हो गई। जी रवि, क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्या कुछ मन मुटाव इन दोनों परिवारों में था जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया? जी, आपको बता दें कि लड़की की शादी एक साल पहले हुई थी और लड़के की पत्नी में हमेशा विवाद हुआ करता था, जिसको लेकर न्यायालय में बात चली गई। न्यायालय में लड़का पैरवी करने पहुंचा था और लड़के के पिता ने बताया कि लड़के वकील और कई लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे अपने पत्नी को रखना है। इसी बात पर लड़की के परिवार वालों ने सुन्नत खार कर लड़के की पिटाई जमकर कर दी। उसके बाद लड़का जैसे ही गोरखपुर और ब्रिज पर पहुंचा था, फिर कुछ लोगों ने उसे घेर कर और आरोप है कि नशीली पदार्थ खिला दिया गया, जिसकी वजह से लड़के की मौत हो गई। जी, जानकारी अभी तक पुलिस इस मामले में पुलिस देवरिया कोतवाल का इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आरोप है कि कोतवाल थाने से चक्कर लगाकर भगा देते हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि रावत आपका। खबर एटा से है, जहां तीन युवक 16 साल की नाबालिग दलित लड़की को बहला फुसलाकर ले गए और तीनों युवकों ने मिलकर लड़की के साथ गैंग रेप किया और दुष्कर्म के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार होकर, बता दें पूरा मामला थाना जसरतपुर क्षेत्र के गांव का है। फिलहाल पुलिस घटना के छानबीन में लगी है। थाना जसरतपुर क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया है। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की गई अभी तक? आज थाना जसरतपुर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चमन नगरिया गांव में एक जो है 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ तीन लड़कों द्वारा जो है बहला फुसला कर ले जाकर बलात्कार की घटना की गई है। पूरी घटना से संबंधित तथ्यों पर FIR पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया छानबीन से पाया गया कि गांव के ही एक पूर्व परिचित लड़के द्वारा बलात्कार की घटना की गई है और उसके साथी युवकों द्वारा जो है बहला फुसला कर ले जाने के बाद प्रयास प्रकाश में आ रही है। वही 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का घटना सामने आया है, जहां पर दलित युवक युवती के साथ तीन बदमाशों ने मिलकर गैंगरेप किया, उसके बाद मौके से फरार होकर, फिलहाल पुलिस इस कार्रवाई में लगी हुई है और छानबीन कर रही है। लगातार जिस तरह से नाबालिग दलितों के साथ कई मामले सामने आते रहते, इसी बीच बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती के साथ ऐसी शर्मसार घटना को अंजाम दिया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दीपक एटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ यह पूरा मामला है और उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा? जी, मैं बता दूं, मैं आपको, ये मामला जो है जनपद के थाना जसरतपुर क्षेत्र के एक गाँव का है। यहाँ पर एक नाबालिग 16 साल की लड़की के साथ तीन युवकों ने गैंगरेप किया, ऐसा मामला सामने आया है और इसमें पुलिस द्वारा लगभग 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके मामले में पुलिस द्वारा पीड़ित जो लड़की थी उसको मेडिकल चेकअप के लिए भी जिला चिकित्सालय लाया गया है। जी, क्या कोई गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक हो पाई है? मैं बता दूं आपको, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है, टीमें भी तैनात की गई है, फिलहाल आरोपी जो फरार चल रहे हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका।
खबर रायबरेली से है, जहां एक मोबाइल शॉप की दुकान में अज्ञात चोरों ने पीछे से दीवार में सेंध लगाकर लाखों के मोबाइल और नकदी की चोरी की। सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोली तो देखकर दंग रह गया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में लग गई है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जीत के जश्न में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में नवनिर्वाचित विधायिका सैयदा खातून समेत 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी की विधायक सैयद खातून ने कुछ लोगों पर हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए वीडियो की सत्यता की जांच की मांग की है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों को बहुत परेशान किया गया। माली मैनहा में जैसे जाहिद और हमीद के घर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके घर पुलिस 50 पुलिस अंदर घुसकर लेडीज सिर्फ थी, उन लोगों को ढूंढ रहे थे कोने कोने में कि कहां गए वो लोग। बहुत परेशान किया गया और कम से कम 15 लोगों को थाने पर बैठाया गया है। जबकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसका कोई कहीं से सच्चाई नहीं है, हमारे कार्यालय का नहीं है। सड़क पे कोई क्या कह रहा है और उसकी जांच हो, जो सच पाया जाए उसको सजा दी जाए। क्यों सारे लोगों को सजा दी जा रही है भाई? एक वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ है जिस दिन मतगणना हुई उसके बाद शाम का वीडियो है, डुमरियागंज का वीडियो है, और उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल गंभीर धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें धार्मिक उन्माद फैलाने का और गाली गलौज करने, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने, इस तरह की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 15 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है, 15 में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें सर पाकिस्तान जिंदाबाद या इस तरह की बातें आ रही हैं कि इस तरह के नारे लगाए गए, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर और किस तरह से आगे क्या करना? अभी इस तरह की कोई बात उसमें स्पष्ट नहीं हुई है कि किसी राष्ट्र विशेष का नाम लेकर के जिंदाबाद की बात कही गई हो। फिर भी उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने अपने साइबर सेल को भेजा है और उसको लैब में भेजा जा रहा है। उसमें कि एडिट तो नहीं है किसी तरह का, क्या एक्चुअल में उसमें नारे लगाए जा रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है। और ये चुनाव के बाद का वीडियो है और उसमें चूँकि ऑलरेडी संवेदनशील है, धारा 144 लागू थी, इस कारण से मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसमें कार्रवाई की। अयोध्या में संतराम प्रसाद चौधरी स्मारक महाविद्यालय कौदौला में एक विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान मेले का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करके की गई। इस दौरान कुछ होनहार छात्रों ने चार्ट के माध्यम से विज्ञान और मौसम विज्ञान से संबंधित कई वैज्ञानिक पहलुओं की चित्रकारी करते हुए पोस्टर के माध्यम से झलकियां प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे कुमार अशोक पांडे ने विज्ञान मेला में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र और छात्राओं को सम्मानित प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ये विज्ञान मेला है जिसमें हम विद्यार्थियों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ऐसे विद्यार्थी जिनके अंदर मन में वैज्ञानिक जिज्ञासा है और उन जिज्ञासाओं को एक प्रोडक्ट के रूप में हम सामने लेके आए। मैं इस अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े जनपद के कोने कोने से विद्यार्थी आज यहाँ पर आए हुए हैं और इस विज्ञान मेला में अपनी प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। देश के जो है और ढेर सारे वैज्ञानिक अभी आए थे, उन्होंने अपना वैज्ञानिक व्याख्यान दिया। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक पांडे जी थे जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन रहे हैं और हमारे संजय पांडे जी आए हुए थे, मनोज मिश्रा आए थे, विकास
मिश्र आए थे, इन लोगों ने अलग अलग अपने जो है वैज्ञानिक व्याख्यान उन्होंने दिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।